कुछ रेंज को कैटेगराइज किया है, मैंने इस पूरे रेंज को कैटेगराइज किया है, तो रेंज में ना आपको इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? रेंज निकालने का कोई रूल नहीं है, लेकिन हम तो आप जानते ही हो अपना बीएस स्टाइल है, जिस चीज का कोई रूल नहीं होता उसे ही हम आसान कर देते हैं। तो मैंने इसे ना सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है, क्लियर, अपने नोट्स में। तो मैं यहां पर जो भी आपको पढ़ा रहा हूं, ये नोट्स जो कराने वाला हूं रेंज के, वो बहुत ही सिस्टमेटिक नोट्स होंगे, क्लियर, और उसमें आपको सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तो एक एक करके रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले तो आप रेंज बता दो, रेंज क्या होता है? रेंज होती है यार वाई की वैल्यू, द अलाउड वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा द रेंज ऑफ फंक्शन, तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, द रेंज ऑफ फंक्शन, द रेंज ऑफ फंक्शन विल बी द सेट, विल बी द सेट कंटेनिंग, सेट कंटेनिंग, द रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी द सेट कंटेनिंग ऑल द वैल्यूज, ऑल ऑब्टेंड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, कंटेनिंग ऑल ऑब्टेंड वैल्यू ऑफ ऑल द अलाउड वैल्यूज ऑफ, या ऐसे लिख लो ना, रेंज विल बी द सेट कंटेनिंग ऑल द अलाउड वैल्यूज ऑफ, ऑल द अलाउड वैल्यूज, ऐसे लिख लो आप, तो ऑल द अलाउड वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी अलाउड वैल्यूज होंगी वो आपका रेंज कहलाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई, वेरिएबल वाई, ठीक है ना। तो वाई की मतलब ग्राफ है जो वाई की वैल्यू होती है, आर नोन एज रेंज, क्लियर, आर नोन एज रेंज, क्लियर, बात आ गई समझ में। तो ग्राफ बना लो आप, ग्राफ में वाई की वैल्यू चेक कर लो, इज द रेंज, खत्म बात, समझ रहे हो बात को, ओके। तो नाउ यहां पर अब हम एक एक करके रूल्स पढ़ लेते हैं, वर्किंग रूल्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटी छोटी पर मोटी बातें, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल्स, इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल्स, ठीक है ना, वर्किंग रूल्स, ओके, छोटी छोटी पर छोटी छोटी पर मोटी बात है, ठीक है ना भाई, बात आई समझ में, छोटी छोटी पर मोटी बात है, चलिए आप छोटी छोटी बातें क्या हैं वो देखते जाओ आप, एक एक करके मैं पॉइंट बताते हुए चलता हूं आपको। पहला पॉइंट बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ये है अपने पास कि भाई यहां पर अगर मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट है कि यार 10x ले लो आप, cotx ले लो आप, 10x हो या cotx हो, या भाई log x हो, ln x, क्लियर, या फिर log base ax हो, क्लियर, ln x और log base एक ही बात होती है वैसे, एनी ऑड पॉलिनोमियल हो बच्चों, पॉलिनोमियल, एनी ऑड पॉलिनोमियल्स, क्लियर, तो 10x हो, cotx हो, log x हो, log ax हो, एनी ऑड पॉलिनोमियल हो, या फिर ऑर्थ रूट 2n प्लस 1 ऑफ x हो, ऑर्ड रूट, ठीक है ना, ऑर्ड रूट हो, विल हैव रेंज r, विल हैव, ये ग्राफ मैं आपको बना चुका हूं, विल हैव रेंज r, रेंज r, इसके ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस है सब, इसका ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं है जो हमने नहीं बनाया है, तो ग्राफ में जाके देख लो, इन सब का रेंज r होता है, क्लियर, इन सब का रेंज क्या होता है, r होता है बच्चों, बात आ गई समझ में, इन सब का रेंज कितना आ रहा है, r आ रहा है, ठीक है ना, इन सब के ग्राफ देख लो यार आप जाके, मैंने सबके ग्राफ बनाए हैं, क्लियर। सेकंड पॉइंट इज, इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैन नेवर हैव रेंज r, नेक्स्ट इज, इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैन नेवर हैव रेंज आर, इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कभी भी आर नहीं आ सकता, इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैन नेवर हैव रेंज आर, इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कभी भी आर नहीं आएगा, क्लियर। तीसरा इज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज ऑलरेडी डिस्कस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो रेंज के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताओ, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज ऑलरेडी बता दिया बच्चों, क्लियर, तो आप जाओ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज चेक कर लो वहां से, क्लियर, साइन एक्स क्या होता है, माइनस वन से वन होता है, प्लस वो क्या होता है आपका, साइन एक्स हो गया आपका, उसके बाद हमने आपको बताया था कि कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस वन से वन होता है, ओके, तो ये सारे रेंज मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर भाई, बात आ गई समझ में, ओके, तो ये जाके आप वहां पर देख लो एक बार, ठीक है, 10x का क्या होता है,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये तो मैंने आपको लिखाई दिया, खैर क्लियर। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सेक एक्स का क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी। क्लियर, बात आ गई समझ में। ओके, तो ये सारे रेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लियर। तो ये अभी दोबारा बताने का तो कोई मतलब है नहीं, क्लियर है भाई, ये दोबारा बताने का कोई मतलब है नहीं, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, क्लियर। चलो आगे की तरफ चलते हैं, तो ऑलरेडी डन, ठीक है, ये क्या है, ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है ना, याद है ना आपको, या लिखा हूं मैं दोबारा। साइन एक्स का, साइन एक्स क्या होता है, वन से लेके माइनस वन के बीच में। कॉस एक्स क्या होता है, वन से लेके माइनस वन के बीच में, टेन एक्स ऊपर है ही। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, क्लियर। कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ये सारे रेंज हो चुके हैं, क्लियर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो चुका है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हो सकता है, हो चुका है, आईटीएफ, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, डन, ऑलरेडी कंप्लीटेड इन आईटीएफ। अब वो थोड़ी ना पढ़ाऊंगा मैं आईटीएफ वगैरह, है ना, ठीक है, वहां पे हो चुका है ऑलरेडी, क्लियर। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट बच्चों, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट में अगर हम एक्स की पावर टू एम की बात करें, ठीक है ना, एक्स की पावर टू एम, तो एक्स की पावर यहाँ पे टू एम हो या फिर टू एम रूट ऑफ इवन रूट ऑफ एक्स हो, इनका इनका क्या होता है रेंजेस, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा इसमें, जीरो से लेके इन्फिनिटी। भाई इवन डिग्री हो, इवन डिग्री पावर हो, या फिर आपका इवन रूट हो, जैसे कि रूट एक्स हो गया, फोर्थ रूट ऑफ एक्स हो गया, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, एट्थ रूट ऑफ एक्स हो गया, इन सब का रेंज क्या आएगा, जीरो से इन्फिनिटी, क्लियर। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, मैंने बोला यार इसमें ना आपका एक तो आ सकता है जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर फोर हो गया, एक्स की पावर एट हो गया, रूट एक्स हो गया, फोर्थ रूट ऑफ एक्स हो गया, या फिर एक्स की पावर वन बाई एट, एट्थ रूट ऑफ एक्स हो गया, एक्स की पावर वन बाई एट, इन सब का रेंज क्या आता है, जीरो से इन्फिनिटी, क्लियर। सिक्स वाला बताओ बच्चों, सिक्स में क्या आ जाएगा अपने पास, ऑड, ठीक है ना, अगर हम ऑड वन अपॉन इसकी बात करें, वन अपॉन एक्स की पावर टू एम की, तो इसका जो रेंज है वो कितना आएगा, इसका जो रेंज होगा वो क्या आएगा, एम इज व्हाट, एम इज बिलोंग्स टू इंटीजर, एम बिलोंग्स टू, ठीक है ना, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे भी, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, इसका रेंज जीरो से लेके इन्फिनिटी आएगा फिर, क्लियर, इसका रेंज जीरो से इन्फिनिटी आएगा, क्लियर, बात समझ रहे हो, इसका रेंज जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे बात करूँ, 6.1 हो गया है, 6.2 की बात करूँ, तो 6.2 में मैंने 1 अपॉन एक्स की पावर 2m प्लस 1 ले लिया, ऑड, ऑड का पावर क्या होता है, ऑड में जो होता है वो क्या होता है, आर प्लस होता है, ठीक है ना, आर प्लस, आर प्लस मतलब रियल नंबर, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा माइनस जीरो, आर माइनस का जीरो, क्लियर, आर प्लस तो ये हो गया, ठीक है ना, आर माइनस जीरो आ जाएगा इसमें, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ जीरो नहीं आ सकता, समझ रहे हो बात को, तो इसमें जीरो के अलावा कुछ भी ले लो, सेम चीज इसमें, वन अपॉन टू एम प्लस वन का एक्स, इसमें भी इसका भी रेंज क्या आ जाएगा, आर माइनस जीरो आ जाएगा, भाई जीरो नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है रेंज में, क्लियर, समझ रहे हो बात को, तो ये हो जाएगा, ये हो गया सिक्स पॉइंट आपके पास। ओके, नाउ ये तो थे बेसिक जो कि हमने ग्राफ से देख लिए, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो मैंने यहाँ पे सिक्स के बाद सेवंथ, मैंने बोला सेवंथ में यार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है ना, इसका रेंज कितना आ जाएगा, तो इसका रेंज आएगा रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। एट्थ वाले का रेंज कितना आएगा, जैसे मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसका रेंज कितना आता है बच्चों, तो इस फंक्शन का रेंज कितना आता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज कितना आता है, रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू जीरो टू वन आता है, वन पे ओपन ब्रैकेट, क्लियर, ये हो गया। सिग्नम एक्स का रेंज कितना आता है, ओके, इन सबके ग्राफ में बता चुका हूँ आपको, सिग्नम एक्स का रेंज कितना आ जाएगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इसमें कितना आ जाएगा, माइनस वन जीरो और वन आ जाएगा, इसमें सिर्फ तीन ही वैल्यू आती हैं, क्लियर। और एक टेंथ एक्स प्लस वन बाई एक्स का रेंज कितना आ जाएगा, तो इसका जो रेंज है बच्चों वो कितना आता है, रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू इसका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी, चलिए इसका रेंज। अच्छा यहाँ पे हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है ना, x प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ, x प्लस वन बाई एक्स का जो ग्राफ है ना बच्चों वो किस तरीके से बनता है वो देख लो आप। ओके, ये मैंने वहाँ पे ये बनाया नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे आपको इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कि इसका रेंज कितना आएगा, ठीक है ना, किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, x प्लस वन बाई एक्स के ग्राफ की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना, x प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ। ओके,
तो x प्लस वन बाई एक्स का जो ग्राफ होता है ना, ये हो गई मेरी y इक्वस टू एक्स वाली लाइन। ओके, ये मेरी कौन सी लाइन है, y इज इक्वस टू एक्स वाली लाइन। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है बच्चों, यहां से ऐसे आएगा ग्राफ और फिर इस तरीके से चला जाएगा, और यहां से इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, बात आई समझ में? तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका वन, ये आपका टू, ये आपका माइनस वन और ये आपका माइनस टू, ठीक है ना। ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये वन, ये टू, ये हो जाएगा ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये आपका किसका ग्राफ हो गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स का। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्लियर, फ्रीक्वेंटली यूज होता रहता है। ओके, तो ये तो मैंने आपको यहां पर जो बताया वो बताया बेसिक बेसिक्स ऑफ रेंज। क्लियर? कि भाई इन फंक्शंस का रेंज ये होगा। क्लियर? इन फंक्शंस का आपका रेंज जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर? इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर? इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? ये है अपने पास रेंज का बेसिक आइडिया, ये हो गए डोमेन। अभी डोमेन के क्वेश्चन और करेंगे, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, डोमेन अभी करेंगे हम लोग, डोमेन के क्वेश्चन अभी और भी आएंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो कि मिक्स होंगे रेंज और डोमेन के, वहां पे आपको रेंज भी निकालना पड़ेगा। क्लियर? वहां पे आपको रेंज भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको डोमेन निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर रेंज निकालना पड़ेगा, तो वो होता है। तो डोमेन रेंज के लिए डोमेन का पता होना बहुत जरूरी है बच्चों, डोमेन के लिए रेंज के लिए डोमेन का पता होना जरूरी है, उसके बिना गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? तो मैं आपको यहां पर नोट करके कुछ पॉइंट लिखा देता हूं, जैसे कि मैंने आपसे बोला यहां पर पॉइंट लिखो आप। ओके भाई, तो डोमेन रेंज के लिए कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लो, तो नेक्स्ट चलते हैं हम इस पर। क्लियर? तो अगर आपको रेंज फाइंड करना है तो एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लो यहाँ पर। टू फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको डोमेन पता होना चाहिए, अगर आपको वैसे ही अगर आपने हवा में कैलकुलेट कर लिया तो भी ठीक है, तो भी चलेगा, ठीक है ना, पर आपको डोमेन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डोमेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर? उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देख लो। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इज इफ द डोमेन इज सेट हैविंग, सॉरी बच्चों, इफ द डोमेन इज अ सेट हैविंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट देन रेंज इज अ सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एफ एक्स वैल्यूज। यानी कि डोमेन के अंदर अगर कुछ वैल्यूज हैं, जैसे मान लो डोमेन के अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट है, वन और टू, इसका मतलब क्या है सेकेंड वाले का, अगर डोमेन आपके डोमेन के अंदर क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन सिर्फ है वन और टू, सिर्फ दो ही वैल्यू है, तो रेंज के अंदर इसी के करस्पॉन्डिंग सिर्फ दो ही एलिमेंट आ जाएंगे। रेंज के अंदर इसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ दो ही एलिमेंट आ जाएंगे, इसके इसके और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज आएंगी वो रेंज के लाएगा। क्लियर? तो रेंज मतलब पहले डोमेन निकालो, देन आफ्टर रेंज निकालो। क्लियर? ओके, बात आ गई समझ में? इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन इज आर और आर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट देन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। हाँ, ये मैं आपको बता दूंगा खैर किस तरीके से निकालते हैं, अभी ये वाला पॉइंट तो क्वेश्चन करेंगे जब बता दूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में स्पेशल क्वेश्चन करेंगे इसके। ओके, तो नाउ मेरे कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट द रेंज, ठीक है ना। तो यहां पे नेक्स्ट हम लिखते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट द रेंज, कैलकुलेट द रेंज। क्लियर? ओके, तो रेंज को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं वो हम अब बात करेंगे यहां पे, ठीक है। तो अब वो क्या क्या मेथड्स हैं वो देखने हैं अपने को। लेकिन बच्चों, जैसा मैंने आपसे बोला कि ये जो मेथड्स हैं वो सब बनाए गए हैं, मतलब मैंने कैटेगरी कर दी है क्वेश्चंस की, और इसमें से बहुत सारे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पर, वहाँ पर जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज निकाला था। क्लियर? तो वहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर? बहुत सारे मेथड्स। ओके, अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग बहुत, अब ये मेथड्स खत्म करते करते ये रेंज खत्म हो जाएगा मतलब। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अपने पास यूजिंग मैनिपुलेशन, फर्स्ट इज यूजिंग मैनिपुलेशन। यानी कि मैं फर्स्ट एक एक करके बता देता हूँ, है ना। इफ मैंने बोला इफ एफ एक्स इज बिलोंग्स टू, बच्चों ए टू बी, अगर आपका एफ एक्स ए टू बी में बिलोंग करता है। क्लियर? पहला पॉइंट, पहला एक एक करके दिखते जाइएगा भाई, एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, इफ एफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, अगर आपका कोई भी फंक्शन है वो ए से बी में बिलोंग कर रहा है, तो अगर देन, तो अगर बच्चों आपने इसमें एफ एक्स प्लस के एड कर दिया या फिर माइनस कर दिया, प्लस माइनस दोनों चलेगा, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए प्लस माइनस का के टू बी प्लस माइनस का के। क्लियर? तो फिर इसका रेंज ही आ जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो उस केस में इसका रेंज ही आ जाएगा, ठीक। ये तो कुछ ज्यादा ही यार थिकनेस हो गई इसकी, इतनी थिकनेस भी ठीक नहीं है।
ओहो ठीक, ना 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 मजा नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, क्लियर। तो देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस के इज इक्वल टू, याद रहेगा ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके, अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला यार आपसे कि मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, मैंने बोला रेंज ऑफ साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस टू, साइन एक्स प्लस टू का रेंज बताओ। तो इसका पहले भी हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन एक्स का रेंज कितना होता है, साइन एक्स का रेंज हमें पता है 1 से लेके -1 होता है, क्लियर। अब अगर हमने इसमें प्लस टू किया तो साइन एक्स प्लस टू में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस टू हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा और -1 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 से लेके, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 3, तो 1 से लेके 3 आ जाएगा। अगर मैंने आपसे बोला होता कि भाई मुझे यहाँ पे सेकेंड सेकेंड मैंने आपसे बोला होता कि मुझे साइन एक्स -2 का रेंज बताओ, तो आपको पता है कि साइन एक्स का रेंज कितना है अपने पास, साइन एक्स अपने पास -1 से 1, और अगर आपने इसमें -2 और कर दिया तो कितना आ जाएगा अपने पास, -1 -2 और +1 -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 से लेके -1, तो ये हो जाएगा साइन एक्स -2 का रेंज। क्लियर, बात आई समझ में कि नहीं आई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गई बात नहीं आएगी। तो अगर आपके पास एफ एक्स ये दिया हुआ है तो एफ एक्स प्लस माइनस के का रेंज निकाल सकते हैं, क्लियर, ओके ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में। तो ये हो गया, अब इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप डोमेन वगैरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के पूरा मेथड्स कराएंगे, पूरा रेंज कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो पूरा रेंज अगले लेक्चर में इसका कवर करेंगे हम विद एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स क्या है, मतलब एग्जांपल्स मतलब एक तरीका है, मैं आपको क्वेश्चन कराते हुए जाऊंगा और हर एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल देते हुए जाऊंगा बस, बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं है कि पहले थ्योरी पढ़ाऊँ फिर क्वेश्चन कराऊँ, अब जैसे ये करा दिया उसी तरह से चलता जाएगा, ओके ठीक है बच्चों। तो अगले लेक्चर में पूरा रेंज कवर करते हैं, डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर फंक्शन तो मतलब पूरा इंपॉर्टेंट है।